से बोलिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए डायल करें स्पॉट कंप्लीशन और बेल आइकन भी प्रेस करके जाएं। ये बात है सन 2011 की, जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था, जिसकी दूसरी पारी में इयान बेल 137 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे। इतने में इशांत की एक बॉल को मॉर्गन ने बाउंड्री की तरफ भेज दिया। इयान बेल को लगा कि वो बाउंड्री हो चुकी है और इसी वजह से वो क्रीज में वापस लौटे नहीं। जब बॉल वापस आई तो एक इंडियन खिलाड़ी ने उन्हें रन आउट कर दिया और थर्ड अंपायर ने भी माना कि ये रन आउट है, लेकिन फिर भी तब कप्तानी कर रहे एमएस धोनी ने अपने रन आउट की अपील को वापस ले लिया और इयान बेल वापस से क्रीज पर आए और अपनी बैटिंग की। गाइस, एमएसडी की स्पिरिट को देखते हुए आईसीसी ने 2020 में एमएसडी को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द स्पिरिट अवार्ड से नवाजा। गाइस, आपको एमएसडी की स्पिरिट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस